गुप्ता जी इस बार कैसे वोट डाल रहे हो ये नहीं पूछ रहा मैं, क्यों वोट डाल रहे हो? वोट इसलिए डाल रहे हैं कि अभी जो हो रहा है देश के लिए अच्छा हो रहा है। अच्छा, जो अभी जो कर रहे हैं सब देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, और इससे पहले जो कर रहे थे देश का कोई भलाई नहीं हो रही थी, देश की तरक्की नहीं हो रही थी। देश की तरक्की आ गई, तरक्की आ ही रही है, हर जगह तरक्की आ रही है। जो एक नंबर में काम कर रहा है, जो दो नंबर में काम कर रहा था उसी को चिढ़े। राहुल गांधी इस बार रेस तेज लगा रहे हैं, पहले तो तीन राज्यों में सरकार बना ली और अब रेस में ज्यादा तेजी से जा रहे हैं। पता चल रहा है कि कई प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठ रहे हैं, वो खाली अध्यक्ष ही बन सकते हैं। अध्यक्ष ही बन सकते हैं, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। राष्ट्रीय खाली वो कांग्रेस के अध्यक्ष के अध्यक्ष बन सकते हैं, देश के अध्यक्ष नहीं बन सकते। हाँ, देश को बेचना है तो उनको दे सकते हैं हम, ऐसी बात। हाँ, पहले भी तो उन्हीं के हाथ में था, उनके हाथ में था। देख लीजिए आप, मेरे को तो वोट देते हुए 6-7 साल ही हुए हैं, पहले भी एक ही को वोट जा रहा था, अभी भी एक ही को वोट जा रहा है। और 6-7 साल में अभी जो परिवर्तन हुआ है, GST आया, नोटबंदी आया, सबको उससे फायदा ही हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। देखिए GST से आया, आज 100% फुल सब GST देने लगेंगे, जो हम देख रहे हैं किताब विताब में पढ़ते हैं उससे 100% GST रहता तो मैक्स 12% GST रहेगा। आज बहुत सा चीज़ में 18% है, 5% है, 12% है, सब GST है, मगर बोलते जब 100% आ जाएगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आए, प्रॉब्लम नहीं होगी, देश की तरक्की हो जाएगी, देश की तरक्की होगी। बाकी 72,000 पे वोट नहीं है राहुल गांधी के, 72,000 आएगा, वो कोड़िया बना रहे इंसान को, इंसान को कोड़िया बनाना चाहते हैं, निकम्मा बनाना चाहते हैं। तो निकम्मेपन को नहीं है, निकम्मेपन को क्यों वोट देंगे? आज हम आदत बन गई क्या देश की कि जो ज्यादा फ्री में देगा, जो 15 लाख का वादा करेगा उसे वोट दे दो। मेहनत करके कमाने का जो पैसा का मजा है, आपको हम आज 500 दे देंगे तो आप देखेंगे ये तो ऐसे पैसा है, फिर और भी कोई दे देगा वो जल्दी खर्च देगा, जो मेहनत से कमाया होगा वैल्यू रहेगी। तो आज मेहनत पे जोर है, वैल्यू पे। आज हमारे आज हम भी एक बिजनेसमैन, हम यहाँ के नहीं है, हम एक टूरिस्ट है, हम बंगाल के रहने वाले। अच्छा, बंगाल पे। वाह, बंगाल में क्या हो रहा है इस बार? तो ममता बनर्जी की हवा उड़ रही है कि फिर से बढ़ जाए? देखिए ममता बनर्जी से बड़ा नेता कोई नहीं है क्या? बंगाल को दूसरा देश बनाना है तो ममता बनर्जी को वोट दे। अच्छा, वो तो बांग्लादेश से कलाकार ला रही है प्रचार कराने के लिए। बस वो बांग्लादेश से ला सकती है एक और बांग्लादेश बनाने के लिए। अच्छा, एक और सेंद लगा रहे हैं मोदी की, नहीं लगा रहे? और 10 साल लगेंगे, थोड़ा पकड़ इस बार थोड़ी मजबूत होगी, पहले से और मजबूत होगी, धीरे धीरे उधर होगा, क्योंकि बंगाली लोग है ना, उनकी बुद्धि थोड़ी देर से खुलती है। चलिए ठीक है जी, तो अग्रवाल जी ने भी बता दिया बंगाल से थे कि क्या कुछ है और अभी क्या कुछ होगा बंगाल से, ये बंगाल की राय थी। आप भी अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कर घंटी दबाइए। नमस्कार।